हेलो गाइस, दिस इज मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज बात करेंगे एनएस क्लास 10th इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और मार्किंग स्कीम के बारे में। इससे पहले बताना चाहता हूँ दोस्त, एनएस के एडमिशन चालू हो चुके हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। और एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और एनएस के एग्जीक्यूटिव टीम से बात करें, ठीक है। एग्जीक्यूटिव टीम आपका पूरी हेल्प करेगी, क्लियर है। और यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे डिटेल्स दे दी गई है किस तरीके से आप के अंदर एडमिशन लेते हो, क्या क्या इनके बेनिफिट्स वगैरह हैं, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस साथ ही ब्लूप्रिंट। ये है आपका दोस्तों 214 इकोनॉमिक्स का कोड है। कोड इसलिए आपको याद करना होता है ताकि ये 10th का सब्जेक्ट है जो कि 2 से स्टार्ट होगा, जो 3 से स्टार्ट होगा वो 12th के सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग का डिजिट जो 3 होगा। चलिए अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इंट्रोडक्शन में आपको बताता है बेसिकली कि हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, इसका क्या मोटिव है हमें सिखाने का। एंड हम यहाँ पे बात करें ऑब्जेक्टिव्स में, तो एक्सप्लेन हाउ सोसाइटीज, बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स, हाउस होल्ड्स एंड इंडिविजुअल्स कैन एलोकेट। मैं सिंपल बताऊँ आप सभी को, तो पैसे कैसे कमाया जाता है और किस तरीके से उसको खर्च किया जाता है, ठीक है। अर्निंग और स्पेंड कैसे करें उसको, इसके बारे में पूरा इकोनॉमिक्स है हमारा, है ना। इकोनॉमिक्स हमें रिसोर्सेस अवेलेबल करवाता है, बहुत कुछ है भाई आपका इकोनॉमिक्स। तो डिमांड सप्लाई हम सब चीज़, हम जो डिमांड ऑफ स्लो पढ़ोगे इसके अंदर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद अगर हम स्कोप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी की दोस्तों बात करते हैं, तो टीचिंग अब बेहतर तरीका है, ऑप्शन है आपके पास। एंड एज इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर इन ऑर्गेनाइजेशन, आप इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर बन सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड टीचिंग करवा सकते हो आप इकोनॉमिक्स में। ये दोस्तों ये इसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि आपके एग्जाम्स के अंदर टोटल 100 मार्क्स का आएगा ये। इकोनॉमिक्स में कोई प्रैक्टिकल्स नहीं होते, इसलिए सिर्फ और सिर्फ TMA होता है। TMA का मतलब होता है प्रोजेक्ट फाइल। एनएस के अंदर जो मार्किंग स्कीम होती है वो 3 बेस पे होती है, 3 बेस पे, थ्योरी मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स, TMA मार्क्स। जिसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता उसमें सिर्फ प्रोजेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं। TMA सभी सब्जेक्ट में होते हैं, प्रैक्टिकल्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए क्या है, 100 मार्क्स का आपका टोटल थ्योरी का एग्जाम्स आने वाला है। अब आप पे बोलोगे कि TMA का मार्क्स कितने मिलेंगे भाई, क्या 20 मार्क्स मिलेंगे? तो 100 प्लस 20 तो 120, 120 हो गया। तो ऐसा नहीं है, आपको तो इतने बात को ध्यान रखना है कि 100 का यानी कि थ्योरी का, यानी कि देखो क्या लिखा हुआ है, मार्क्स ऑफ थ्योरी 20% ऑफ थ्योरी मार्क्स में से, यानी कि थ्योरी में से आपको 20% TMA में दे दिया जाता है। इट मीन्स ये हुआ जो आपको दिख रहा है 100 मार्क्स का पेपर, वो एक्चुअल इन रियलिटी में 80 नंबर का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 20 मार्क्स 100 का 20% कितना होगा, 20, जो कि TMA को दे दिया जाता है। इट मीन्स चलो यहाँ पे देखते हैं हम एक बार, यहाँ पे स्कीम ऑफ एवोल्यूशन थ्योरी पेपर 100 नंबर का आएगा, 3 घंटे है, 3 आवर्स का पेपर होता है यहाँ पे आपका। इंटरनल जो आपका असेसमेंट है TMA, वो 20% ऑफ किसका, थ्योरी मार्क्स का होगा। यानी कि इस तरीके से देखें हम तो टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का ही होगा और 20 नंबर आपको दे दिया जाएगा TMA, टोटल मार्क असाइनमेंट, जिसको हम प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं उसके अंदर। टोटल पासिंग जो क्राइटेरिया है दोस्त, वो 33%। इट मीन्स आपको थ्योरी प्लस TMA इन दोनों को मिलाकर, यानी कि 80 प्लस 20 इजिकल टू 100, इन दोनों को मिलाकर आपको 100 में से 33%, यानी कि 100 का 33% 33 मार्क्स हो गया। 33 नंबर लाना है पास होने के लिए। पासिंग मार्क्स कितना है, 33% है, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया यानी कि पास क्राइटेरिया क्या है, 33% है, 33 मार्क्स, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से कोर्स कंटेंट है, यानी कि मॉड्यूल्स क्या है। अब हम सिलेबस पे आ गए हैं। फर्स्ट मॉड्यूल है आपका अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर बात करना है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ह्यूमन वॉन्ट्स, है ना, एंड गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर आपके आते हैं कितने, टोटल 3 चैप्टर, क्लियर है। तो 3 चैप्टर्स आपके कवर होता है फर्स्ट मॉड्यूल में। यहाँ पर आपको टोटल डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है किस पे, फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर। जैसे देख सकते हो यहाँ पे आप, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट ब्रांचेस क्या है इकोनॉमिक्स के, है ना, एंड पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, मीनिंग ऑफ बॉन्ड्स, ग्रोथ ऑफ बॉन्ड्स, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सभी आप किस चीज पढ़ोगे आप फर्स्ट। इन टॉपिक्स को आपको बेसिकली कवर करना है फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर, इन तीनों चैप्टर्स में से यहाँ पे बता दिया गया आपको। अगर मैं इसके मार्क्स वेटेज की बात करूँ तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके तीनों चैप्टर्स जो हैं 7 नंबर का एग्जाम में आने वाला है। तो फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट मॉड्यूल में 3 चैप्टर जो आप पढ़ लेते हो, यानी 7 मार्क्स पक्के। लेकिन आपको मैं पहले ट्रिक बता देता हूँ, जिस मॉड्यूल्स में चैप्टर्स कम हो लेकिन मार्क्स वेटेज ज़्यादा हो, उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इट मीन्स आगे देखते हैं हम क्या है। देखिए सेकेंड मॉड्यूल है फर्स्ट, यानी कि 1, 2,
तीन अबाउट इकोनॉमी है चैप्टर, ये तीन चैप्टर ये हो गए, यानी कि इसमें तीन चैप्टर्स आने वाले हैं। तीन चैप्टर का दोस्तों कोर्स डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया होगा, क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है हमें, है ना, स्केलसिटी एंड चॉइस वगैरह, ये सब सेक्टर प्रॉब्लम्स वगैरह हमारे ये इसके अंदर आ गए। ये चीज़ आपको बहुत कुछ इसमें से ट्वेल्थ में पढ़ना होता है इसके अंदर से, ठीक है। एंड ये आपका 8 मार्क्स का है तीन चैप्टर्स, क्लियर है, आप सभी को समझ में आ चुका है। चलिए, और ये हमेशा याद रखिए इसके अंदर जो आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आपका कोर्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर लेना, ऐसा काम करना आप, इसके लिंक नीचे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं मॉड्यूल 3 की, जिसका नाम क्या है, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज 7th और 8th। देखो दो ही चैप्टर है, कोर्स का डिस्क्रिप्शन ये है कि आपको प्रोडक्शन फंक्शंस पढ़ना है, प्रोडक्ट क्या है ये सब पढ़ना है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है ये सब पढ़ना है, ठीक है, ये सब टॉपिक देगा, मीनिंग ऑफ कोर्स, टाइप्स ऑफ कोर्स एंड रिवेन्यू, ये सब देखना है, जिसमें आपको 10 मार्क्स, यानी कि ये मॉड्यूल आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो ही चैप्टर जो है जो आपके 10 मार्क्स को कवर कर रहा है, इट मीन्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब 4th मॉड्यूल पे आते हैं हम, जिसमें हमारा 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 चैप्टर्स आपके हैं किसमें, इस वाले मॉड्यूल्स में, यानी कि 4th मॉड्यूल्स में, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें डिमांड, सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, मार्केट, रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये सब चैप्टर्स में कवर करेंगे हम। कोर्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि दोस्त ये 5 चैप्टर जो है इसका मार्क्स वेटेज 15 है, 5 चैप्टर है, मार्क्स वेटेज भी 15 है, ये कोर्स डिस्क्रिप्शन है। अब भाई पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सेकंड जिसमें आपके चैप्टर्स कम है और मार्क्स वेटेज ज़्यादा है, इसको तो अच्छे से कवर करना है, ठीक है, ताकि आप आसानी से पास हो जाओ। एंड 5th मॉड्यूल को देखते हैं हम, ये 5th मॉड्यूल है हमारा मनी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जिसके अंदर आपको 3 चैप्टर्स कवर किया गया, मनी एंड इट्स रोल का, बैंकिंग एंड क्रेडिट का, एंड सेविंग्स एंड इंश्योरेंस का, 3 चैप्टर्स कवर है। कोर्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया, आपको ये टॉपिक्स इसमें से कवर अप करना है, 10 मार्क्स का वेटेज है, यानी कि ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, इसको भी कवर करना आप। मॉड्यूल दोस्त हमारा जो 5th के बाद हमारा 6th मॉड्यूल आता है, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इकोनॉमिक्स, है ना, डेटा इन इकोनॉमिक्स, दो ही चैप्टर दिए गए। कोर्स का डिस्क्रिप्शन दोस्तों आपको मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ डेटा पढ़ना है, टाइप्स ऑफ डेटा, वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स, ये सब चीज़ के बारे इसके अंदर पढ़ना है आप सभी को। कोर्स डिस्क्रिप्शन 15 मार्क्स का, यानी कि दोस्त इस हिसाब से देखे आप तो 6th मॉड्यूल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 चैप्टर दो हैं लेकिन आने वाला है ये 15 मार्क्स के अंदर, इसलिए आपको ये हमें कंपलसरी करना है, ये 6th मॉड्यूल या जो जो बता रहा हूँ मैं, याद रखना, ठीक है। एंड 7th मॉड्यूल पे आते हैं हम, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टोरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। अब देखते हैं यहाँ पे चैप्टर किसने कवर है, 1, 2, 3, 4, 4 चैप्टर हो रहे हैं दोस्तों आपके 7th मॉड्यूल्स में कवर, 7th मॉड्यूल्स में आपके 4 चैप्टर कवर हो रहे हैं। कोर्स का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ देख सकते हो, ये आपको टॉपिक पढ़ना होगा, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये टॉपिक आपके यहाँ पे स्टार्ट किए गए, 20 मार्क्स में आने वाले हैं दोस्तों, 4 चैप्टर 20 मार्क्स, ईच चैप्टर 5 मार्क्स का वेटेज होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम, मॉड्यूल्स पे, इट मीन्स मॉड्यूल्स नंबर आपका 8 है, 8 मॉड्यूल्स में हमारा क्या है, कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक्स इश्यूज, इसके में इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंज्यूमर अवेयरनेस, यानी कि 1, 2 टॉपिक आपके इसके अंदर आ रहे हैं 8 मॉड्यूल्स के अंदर। डिस्क्रिप्शन ये रहा 15 नंबर, यानी कि मैंने क्या बताया आपको, जिस मॉड्यूल में चैप्टर्स कम है मार्क्स वेटेज ज़्यादा है, इन पर कवरअप आपको अच्छे से फोकस करना है, तो 8 मॉड्यूल्स 100% करना है, ठीक है। हिंदी मीडियम में जिनके पास है वो मॉड्यूल्स दोस्तों सेम ही होते हैं, तो याद रहे, ठीक है। 7 मॉड्यूल जो है वो 20 मार्क्स का है, तो 7 मॉड्यूल्स से पहले जिसमें 2-2 चैप्टर वाले हैं उनको कर लेना, ठीक है। 6 मॉड्यूल 2 चैप्टर हैं तो इनको भी करना है, क्योंकि मार्क्स वेटेज 15 का है। एंड इसमें 3 चैप्टर है 5 मॉड्यूल में, तो इनको भी कर लेना है। बाकी 1-2 चैप्टर वाला ये रहा, तो इसको भी करना है, 10 मार्क्स का है। तो 2-2 चैप्टर और 3-3 चैप्टर वाले जितने ये मॉड्यूल्स उनको कंप्लीट करना है, ताकि मार्क्स अच्छे से स्कोर हो जाए, टाइम मिले तो फिर बड़े बड़े मॉड्यूल्स पे जाओ, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स के लिए आप पहले इन मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लो। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिलेबस दिख जाएगा, मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ, यहाँ पे इस नीचे आप इसको देख सकते हो, ठीक। एंड आप इसको डाउनलोड कर लो, इसके लिंक नीचे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप ये सोच सकते हो और समझ सकते हो कि मुझे किस स्ट्रेटजीज के द्वारा अब पढ़ाई करनी है। पहले उसी पे फोकस करना है जिसमें मार्क्स वेटेज ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स के दोस्त सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स वगैरह आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। मैं पहले बताना चाहता हूँ, ब्लू प्रिंट आप जब क्लिक करोगे नीचे वेबसाइट पे, तो दोस्त ब्लू प्रिंट के लिए आप पहले सबसे पहले इस वाले वेबसाइट पर आ जाओगे, शर्ट खुलकर आ जाएगा आपके
स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आपको सभी अपडेट्स वगैरह भी मिलते हैं, साथ ही जो ब्लू प्रिंट वगैरह वो यहीं पे मिलेंगे। एनुस के एडमिशन रिगार्डिंग अपडेट्स, बुक्स, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वेबसाइट पे मिलेंगे। और आप एनुस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सोल्यूशन लेना चाहते हो तो वो आपको मिलेगा इस वेबसाइट पे। इसकी भी लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स, एनुस के सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही चैप्टर वाइज नोट्स है वो लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन दिए गए हैं। और आपको क्या करना है, पहले एनएस के क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर के हैं, है ना, लास्ट ईयर जो आए हुए हैं उनको पहले सॉल्व करना है ताकि आपको आइडिया मिल जाए। इसकी लिंक मैंने जो क्वेश्चन पेपर के जो लिंक है मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ताकि आपको भटकना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े, ठीक है। एंड एट लास्ट मैं बताना चाहता हूँ आपको सैम्पल पेपर के बारे में, ठीक है। जैसे कि ये है आपका सेकेंडरी टेंथ क्लास का क्या सैम्पल पेपर, जो सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया ब्लू प्रिंट के अंदर, आप उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ से आप सिलेबस नहीं बल्कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, है ना। तो यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जो आपके पास सब्जेक्ट है उनके सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लेना। और इसमें आपको मार्किंग स्कीम भी दी होती है कि किस तरीके से कॉपी आपकी चेकिंग की जाती है। इज इट क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से आपको समझना है इन पॉइंटों को। और एक बात अंत में कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे वीडियो मैं अपने चैनल पर डालते रहता हूँ, साथ ही आप सबकी स्टडी और तमाम चीज़ों की हेल्प भी मैं हमेशा करता रहता हूँ। सॉल्व टीएमए, सॉल्व प्रैक्टिकल, सबके लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप सभी को। साथ ही अपना प्यार बनाए रखे, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो क्यों? क्योंकि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं, यूर फैमिली, ठीक है। आप सब दोस्तों मेरी फैमिली हो। चलिए, तो फटाफट सब्सक्राइब करके उन बच्चों पे शेयर करें जिनको बच्चों को पता नहीं इस टॉपिक्स के बारे में, ना ही चैनल के बारे में, ताकि वो कहीं से मिसगाइड ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ ब्रोकर्स हैं, उनको अपने पैसा ऐंठने के लिए, पैसा और लूटने के लिए उनको फंसा के रखते हैं। बट मैं चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी ना हो। हम लोगों की दुकानें बंद कर देंगे दोस्त, जो बच्चों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना जानते हैं। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गया सभी को? तो आई होप आपको सभी टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके सब जगह शेयर करना, ठीक है। अपना प्यार यूं ही बनाए रखना। आपका प्यारा भाई है, हमें अपने प्यारे भाई बहनों को ऐसे ही हेल्प करते रहूँगा। अपने सेवा का मौका देना। जय हिंद, जय भारत।